नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज की जो यार साइकिल राइड हमने रखी है ना, वो थोड़ी अलग सी है। आज अनिल भैया जो हमारे एडमिन, उन्होंने एक अलग ही प्लान करा है। तो आज हम साइकिल से ना जाके, आज सब हम अपने BHL सेक्टर 4 हरिद्वार के जो स्वर्ण जयंती पार्क के चौराहे पे हमेशा इकट्ठे होते हैं, तो आज हम वहीं पे सब अपनी अपनी गाड़ी लेके आएंगे। और हम लगभग 11 से 12 जाने हैं, और हम यहाँ से जाएंगे सीधा ऋषिकेश। ऋषिकेश से जो नरेंद्रनगर का रास्ता है, वहाँ पे भद्रकाली माता का मंदिर है, वहाँ पे सब साइकिल सॉरी सब गाड़ियाँ पार्क करके वहाँ से करेंगे हम 5 किलोमीटर की वॉक। तो यार मैं तो कुछ अलग ही करने वाला हूँ, तो मैं तो यार अपनी साइकिल भी लेके आऊँ अपनी गाड़ी में। मैं दिखाता हूँ, मैंने अपनी साइकिल को अपनी गाड़ी में लोड कर रखा है। तो यार फिर मैं ना यहाँ से साइकिल लोड करने के बाद सीधा उनके साथ जाऊँगा, और वहाँ पर जो वो 5 किलोमीटर की वॉक करेंगे ना वॉक, तो वो वॉक ना करके मैं करूँगा साइकिल राइड। आप देख सकते हो मैंने लाद रखी अपनी गाड़ी में अपनी साइकिल। तो यार फिर हम अभी उनका वेट कर रहे हैं, टाइम वही 5 बजे का ही यार, एक बार की तरफ मॉर्निंग 5 बजे, और फिर चलते हैं यार साइकिल राइड पे, साइकिल नहीं कार राइड पे, और वो उसके साथ वॉकिंग भी होगी। और मुझे लगता है कि एक गाड़ी और भी आ गई है हमारे ग्रुप की, अभी वो गाड़ी नज़र आ रही है मुझे वहाँ पे। तो रामप्रेश भैया अभी आ चुके हैं, तो उन्हें इशारा करते हैं और वो भी चलते हैं अभी साथ में। तो रामप्रेश भैया पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे, तो अभी देखते हैं और कौन कौन आता है, तो चलते हैं। वैसे तो डिसाइड हो चुका था कि 11 जन ही आएंगे, तो चलते हैं वीरभद्र काली मंदिर। तो भाई अभी ना चारों गाड़ियाँ आ चुकी हैं जो जाएंगी, और राकेश भैया भी आ गए हैं यहाँ पे, और अभी यहाँ से चारों गाड़ियाँ, और कितनी अच्छी बात है कि चारों गाड़ियाँ वाइट ही हैं। और चलते हैं अब सीधा अपने लक्ष्य की तरफ। तो चलो यार फिर फटाफट एक फ़ोटो यहाँ ले लो यार, जहाँ तक गाड़ियाँ जा रही हैं, हॉर्न वॉर्न मारती हुई, और दबा दबा के हॉर्न बज रहे हैं पीछे से इतनी साइड होने के बावजूद भी। दे हॉर्न पे हॉर्न, दे हॉर्न पे हॉर्न, ललित लगता पागल हो गया, और 100% ये ललित ही होगा। वो देखो मुझे पता था ये ललित ही है, और ललित बना रहा है वीडियो दबा दबा के। और वो देखो ललित, तो फ्रेंड्स यार पहुंच चुके हैं लक्कड़ घाट के आसपास, और यहां से लेंगे बाईपास और सीधा जाएंगे हम नरेंद्र नगर की तरफ। तो यार अब मिलते हैं सीधा नरेंद्र नगर पे ही, वहीं पे अपनी गाड़ी पार्क कर। तो फ्रेंड्स यार अभी पहुंचने वाले हैं अपने वहां पे जहां से हमने वॉकिंग स्टार्ट करनी है। तो अभी पहुँचे हैं रेलवे के अंडरपास में, ऋषिकेश से जो थोड़ा बाहर की तरफ रोड आता है ना उस पे, जिससे RTO ऑफिस से थोड़ा पहले। तो बाकी के एक गाड़ी आ गया है, बाकी दो गाड़ियाँ मेरे पीछे आ रही हैं। तो यार पहुँचते हैं फटाफट वहाँ पे, और वहाँ से करते हैं अपनी वॉक स्टार्ट। और टाइम अभी हो चुका है लगभग 5:30 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स यार अभी ना नटराज चौक के पास पहुँचने वाले हैं, लगभग 100 मीटर ही पीछे होंगे। तो नटराज चौक ऋषिकेश पहुंच गए हैं। अब आप यहां से देख सकते हो पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, और इन्हीं पहाड़ों पे थोड़ा सा हमें वॉक करना है। तो अपनी निर्धारित जगह पे भी हम पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं इंद्रमणि बड़ौनी चौक, जिसे नटराज के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर यार अभी यहां से चलते हैं सीधा अपना अपने जहाँ से हमने स्टार्ट करनी है अपनी राइड। यार जैसे कि ग्रुप एडमिन ने बोला था वहाँ पे पहुँच चुके हैं, मगर अभी अभी यार ग्रुप एडमिन का फोन आया है कि वहाँ नहीं थोड़ा और ऊपर जाना है, तो हो सकता है कि उससे आगे जाके फिर वो कहते हैं कि और ऊपर जाना है। ऐसा कैसे आता है ऊपर जाने? तो यार अभी तो हम अपनी साइकिल वाइकिल उतारने वाले थे यहाँ पे, मगर अभी भैया ने बोल दिया कि थोड़ा और आगे चलो। तो चलते हैं यार, नज़ारा अलग है, उधर मजा आएगा ज्यादा। तो भैया कह रहे हैं उधर ज्यादा मजा आएगा, जाना तो उधर ही है, उधर ही जाना है ना, नरेंद्र नगर ही चलते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं नरेंद्र नगर चलते हैं, वहाँ करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा आएगा नरेंद्र नगर का। तो यार अभी ना थोड़ा प्लान थोड़ा चेंज हो गया, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया। तो अब नरेंद्र नगर की तरफ थोड़ा साइकिलिंग ना करके, ना वॉक करके अभी नरेंद्र नगर की तरफ गाड़ियों से जा रहे हैं। तो यार अभी चलते हैं हम नरेंद्र नगर की तरफ, और आप देख सकते हो काफ़ी लोग वॉक कर रहे हैं। अब कितनी आगे जाना है ये थोड़ा आपको अभी जाके ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स यार मुड़ चुके हैं नरेंद्र नगर की तरफ, और देखते हैं कितनी आगे जाना है। भद्रकाली मंदिर से आगे आ गए हैं नरेंद्र नगर की तरफ, और यहाँ से ना यार सबने गाड़ी पार्क कर दी, आप देख सकते हो हमारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। और यहाँ से ना यार अभी
कुछ लोग वॉक के लिए चले गए हैं और मैं करूँगा यहाँ से साइकिलिंग। तो यार देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। यहाँ से वैसे 5 किलोमीटर का प्लान है और 5 किलोमीटर जाते कि नहीं अभी जाके देखते हैं और आपको खूबसूरत नज़ारे देंगे। तो फ्रेंड्स यार अभी ना 2 किलोमीटर ही हो पाया हमारा, 2 से 3 किलोमीटर, और हम पहुँच गए यहाँ पे यार, वेलकम टू द विलेज ओनी। और ये जो है ये अपना सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ रोड है। तो यार अभी ना बाकी के जो हमारे वो हैं राइडर्स जो वॉक करते हैं और वो पीछे हैं, तो मैं अकेला था जो साइकिल लेके आया था। तो यार अभी चलते हैं, फिर देखते हैं, उनका वेट करते हैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के और चलते हैं। और आपको यहाँ पे ना जगह जगह देखो बैठने का कितना अच्छा बनाया पड़ा है ओणी में। हम ओणी मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे की तरफ कोई गांव है, और यहाँ देखो कितना अच्छा बैठने का भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये देखो बैठने का तीन भी बनाया हुआ है। और अभी यार मैं देखता हूँ शायद नीचे की तरफ कोई एक घर भी है। और आज जैसे धुंध हो रही ना, तो ऋषिकेश यार सब लोग ना वॉक करते हुए पहुँच चुके हैं, लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब ही हुआ, अभी 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये ओणी के रास्ते में ना यार अभी काफ़ी फोटोग्राफी चल रही है, तो धीरे धीरे सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो। नमस्कार भैया। तो ये ओणी गाँव की तरफ नरेंद्र नगर यहाँ से थोड़ा ही रह गया, और ऋषिकेश से 7 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं नरेंद्र नगर वाले रोड पर। फ्रेंड्स यार रास्ते में ना थोड़ा ट्रैकिंग का भी व्यूज मिला है, तो थोड़ी ट्रैकिंग भी कर लेते हैं। वैसे तो मेरे गोड्डे पे बहुत चोट लगी है, मगर वो पंकज भैया आप देख रहे हो कितना ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं। भैया थोड़ा आराम से करो। तो ट्रैकिंग करते हुए तो देख रहे हो आप, तो थोड़ा यहाँ पे कुछ लोग जड़ी बूटियों की भी खोज कर रहे हैं, जो कि एक जंगली बूटी को अनार बता रहे हैं। तो यार अभी देखते हैं ट्रैकिंग का भी मजा कि ट्रैकिंग में कैसा रहता है। तो चलते हैं यार ट्रैकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स यार फिर ना ट्रैकिंग भी करी थोड़ी सी, और बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे, पेड़ों को पार करना है और सीधा ट्रैकिंग करते हुए थोड़ा केयरफुली चलना है, थोड़ा बरसातों का सीजन है। तो आज साइकिलिंग भी हो गई, वॉकिंग भी हो गई और ट्रैकिंग भी हो गई, तो थोड़ी सी ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। देख सकते हो आप ट्रैकिंग, ललित मेरे पीछे आ रहा है ट्रैकिंग करता हुआ और कुछ वीडियो बना रहा है। तो आज का वीडियो यार काफ़ी लंबा होने वाला है, और लगभग हमने 1 किलोमीटर ट्रैकिंग भी करी है इस रूट पे ना, 1 किलोमीटर के करीब ट्रैकिंग हो गई, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आप कलवटे देख सकते हो, ओ वाओ अंधेरी सुरंग है, यहाँ पे कोई जानवर भी हो सकता है कुछ। फ्रेंड्स यार आज की ना राइड यहीं तक ही ख़त्म हो रही है, इसमें हमने साइकिलिंग भी करी, ट्रैकिंग भी करी और वॉकिंग भी करी, तो लगभग 3 किलोमीटर के करीब हम निकल चुके थे नरेंद्र नगर की तरफ, तो 3 किलोमीटर की तरफ। तो यार प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।